रोहतक में जेल की सुरक्षा का जायजा लेने के लिए मेरे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे पहुंचे, जिस जेल में रखा गया है राम रहीम को। अब जरा रिपोर्ट देखिए। रोहतक के सुनारिया जेल की तरफ जाने वाले रास्तों को कुछ इसी तरह बंद कर दिया गया है। पूरी तरह से पुलिस बैरिकेटिंग है, जो भी रास्ते सुनारिया जेल की तरफ जाते हैं और सुरक्षा इंतजाम कड़े हैं। हम आपको बता दें कि रात भर पुलिस की सघन चेकिंग चलती रही, जगह जगह तलाशी चलती रही और कोई भी रोहतक शहर में जो बाहर से आया तो बाकायदा पुलिस ने वेरीफाई करके ही अंदर जाने दिया। पुलिस की कोशिश ये रही कि कहीं भी कोई बाबा गुरमीत राम रहीम का समर्थक शहर में प्रवेश ना करने पाए, एक जगह एकत्रित ना होने पाए। हम आपको जो ये तस्वीरें बता रहे हैं, ये जो ये सीधा रास्ता जाता है सुनारिया जेल की तरफ जाता है, यहाँ से 500 से 700 मीटर दूर सुनारिया जेल है, लेकिन तीन स्तरीय सुरक्षा इंतजाम किए हैं। सुनारिया जेल पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में के पास है, लिहाजा जेल के अपने इंतजाम है। इसके बाद जेल के चारों तरफ अर्धसैनिक बलों ने डेरा डाला हुआ है, पूरी तरह से घेरा हुआ है और इसके बाद जो चारों तरफ जेल की तरफ जाने वाले रास्ते हैं उनको इस तरह से बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया गया है। किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ वो लोग ही जा सकते हैं जिनको पुलिस अनुमति देती है। रात भर हमने देखा कि शहर में जो DC हैं, SP हैं, IG हैं, तमाम लोग रात भर गश्त करते रहे, चेकिंग अभियान चलाते रहे और जगह जगह इस बात का जायजा लेते रहे कि कहीं भी कोई चूक ना रह जाए। लिहाजा रात भर शहर में शांति रही, रोहतक के आसपास के जिलों में भी शांति रही और पुलिस ने पैनी नज़र रखी हर एक व्यक्ति पर। लिहाजा सुबह तक की जो तस्वीर है वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। करुण रमेश के साथ ब्रह्म प्रकाश दुबे, Zee Media, रोहतक, हरियाणा।